सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची। अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के निकट आज एक नवजात बच्ची झाड़ियों में लावारिस हालत में मिली है। माना जा रहा है कि इस बच्ची को किसी माता ने लोकलाज के भय से इन झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया था। सुबह लगभग 10 बजे जब भूणावाय निवासी कर्मा सिंह रावत अपने खेतों की ओर जा रहे थे, उसी दौरान विश्वविद्यालय परिसर के निकट ही झाड़ियों में एक बच्ची के रोने की आवाज़ से चौंक गए। जाकर देखा तो वहां पर 2 से 3 दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। कर्मा सिंह ने तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा इस बच्ची को JLN हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में ICU वार्ड में भर्ती करवाया गया है। बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जहां पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 10:10 पर एक सूचना आई थी, जो कर्मा सिंह सन ऑफ छोटू सिंह जाति रावत निवासी भूणावाय ने बताया कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के बीच में एक लावारिस बच्ची पड़ी मिली है जो झाड़ियों में है और जीवित है। उस इतला पर मैं अपने स्टाफ के साथ में तुरंत रवाना हुआ, मौके पर पहुंचा और उस बच्ची को अपने पास में लिया और बच्ची को ला करके JLNH हॉस्पिटल के शिशु रोग विभाग में उसको इमरजेंसी ICU में भर्ती कराया। बच्ची 1-2 दिन की बता रहे हैं, नवजात बच्ची। ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के बीच में जो झाड़िया इलाका है, उन झाड़ियों में पड़ी मिली थी। वो लोग खेत पर जा रहे थे, उन्होंने बच्ची की आवाज़ सुनी, आवाज़ सुनने पर उन्होंने उसको देख कर बच्ची को हमारे को सूचना उठा करके हमारे को सूचना दी। मौके पर तुरंत हम पहुँच करके यहाँ ला के भर्ती कराया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और हाँ, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। मेरा नाम शांतिलाल SI थाना सिविल लाइन।